sir. सर, क्या तरीका है? खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या? भूल गए तुम एक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर हो और तुम्हें प्रोटोकॉल से चलना होगा। शुक्र मनाओ किसी ने तुम्हारी मारपीट का वीडियो नहीं बनाया। क्यों इतने जज्बाती हो जाते हो? वो मामूली सा सब इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहा है। फैक्स से तुम्हारी फोटो और कंप्लेंट भेजी है। आई एम रियली सॉरी सर। इस साल की तुम्हारी ये सातवीं सॉरी है। यू मे बी फिजिकली फिट बट साइकोलॉजिकली यू आर टोटली अनफिट। मैं तुम्हें 6 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। इतने टाइम में गवर्नमेंट ऑथराइज साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो, एंगर मैनेजमेंट सेशन कंप्लीट करो, फिट होने का सर्टिफिकेट इश्यू करवाओ, उसके बाद ही तुम्हें एकेडमी में वापस एंट्री मिलेगी। गॉट इट सर? माय डिसीजन इज फाइनल, डिसमिस। मेरे लिए एक मामी ढूंढ दो। क्यों? वरना ऐसे ही पागलखाने में एडमिट करना पड़ेगा मुझे। अंदर तो चल, बहुत मामी मिलेंगी। जी हाँ, आप कल 7 बजे आ सकते हैं। हाउ आर यू? आई लव यू। ओके, अपने भांजे को कह रहा हूँ। ये लोग कौन है? फोन कट। इनका अपॉइंटमेंट लिया है? गुड नेम सर। अभिमन्यु। डॉक्टर रति देवी अभी आई नहीं है, आप वेट कीजिए। रति देवी? जरूर ये 1950 की कोई विंटेज मॉडल होगी, देख ले। बस मिलना ही तो है। स्ट्रेंज साउंड कमिंग कहां से? सर, एक्सक्यूज मी सर, लिवर में पेन हो रहा है, सुसु आ रही है, किसी से मार खा के आए हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है मुझे। डेढ़ पसली का इंसान पहले जोर से बोलना तो सीख ले। तेरे 7 पुश्तों में से किसी ने गुस्सा नहीं किया होगा। मुझे शेंडी लगा रहा है। मैं डेढ़ पसली लगता हूँ, मैं डेढ़ पसली लगता हूँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? देखिए भाई सब, चिल्लाइए मत, भरभरा के गिर जाएंगे। तू सुल्तान जैसा फिट है, मैं टीबी का मरीज हूँ, तू 100 साल जिएगा, मैं कल कब्र में जाऊंगा, यही कहना चाह रहा है तू? मिट्टी के खिलौने से भी नाजुक है आप, ज्यादा हिलेंगे तो बिखर जाएंगे। मैं कोई खिलौना हूँ? जो हिलूंगा तो बिखर जाऊंगा। तुझे मैं अपनी पावर दिखाता हूँ आज। शांत हो जाइए सर। मैं तुझे ची डालूंगा, मैं तुझे फाड़ डालूंगा। तुझे पता नहीं है मेरा साहेब 3 किलो का हाथ है, और एक बार ये हाथ उठ गया तो इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है जैसे तू उठ गया। इसे सनी के सारे डायलॉग याद है। कंट्रोल। क्या भांजे, मैं तो आधे घंटे में पागल हो गया। तू भला 6 हफ्ते यहाँ कैसे रुकेगा? कोई पागल ही यहाँ 6 हफ्ते तक रुकेगा। हा? काउंटर पे जाइए, अगले 6 हफ्ते के फॉर्म एक साथ लाइए, डॉक्टर एक ही झटके में सब पे साइन करेगी। कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? 6 हफ्ते की छुट्टी लेने वाला हूँ। ला दे। ये कौन है? रति देवी। और कौन? विंटेज मॉडल। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है और आपको इसका गुस्सा शांत करना है। लगता है कन्फ्यूज है। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है, बात बात पे गुस्सा करता है, आपको इसे ठीक करना है। डॉक्टर, झाड़ना पोछना छोड़ो, पेशेंट जाओ यहां से, काम करने दो। ये एंटीक पीस तो बाई निकली, चल बैठ जा, चल। सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैडम, यहाँ 2 मेंटल पेशेंट्स आए हैं, लगता है झटका देकर ही ठीक करना होगा। अरे बाप रे, नाम सुन के लगा पुराने जमाने का टेलीग्राम होगी, पर ये तो लेटेस्ट स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भांजे, तेरी मामी मिल गई। आप में अभिमन्यु कौन है? जो आपके सामने बैठा है, 6 फुट का हट्टा कट्टा गबरू। हेलो अभिमन्यु, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं? स्कूल या कॉलेज, किसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए? लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इंस्टेंट कॉफी से फास्ट। सर, थोड़ा आगे आइए। टेल मी डियर रति, शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं। आपको कैसे पता? मुझे इसका इलाज भी पता है। इलाज कैसा? मेरी मेड ने बिजली के झटके देने की राय दी है। इनडायरेक्टली ये मुझे बाहर मिलने के लिए कह रही है। तो अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? थैंक यू, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, के नीचे चाय की टपरी पर। कम फास्ट, डोंट बी स्लो। तो बताओ अभिमन्यु, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिंदा लाश की तरह देखते हैं ना, उन्हें मैं कोमा पेशेंट कहता हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भूलकर कोमा पेशेंट बन जाऊँ? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अन्याय देख के गुस्सा करना गलत नहीं, लेकिन उसे मारना गलत था। क्या सही है और क्या गलत है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं नहीं कह रही कि गलत है, आपके ऑफिसर को गलत लगा और इसीलिए आपको मेरे पास भेजा। सीनियर ऑफिसर तो बोलेंगे ही ना, कोई चॉइस नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है, और यहाँ आना मेरी मजबूरी, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ये मेरे 6 हफ्ते के फॉर्म्स हैं, ये भी एक फॉर्मेलिटी है, तुम बस इन पर साइन कर दो, ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब सब कुछ फॉर्मेलिटी ही है तो अभिमन्यु, बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती। मैं मेंटल दिखता हूँ?
बाहर बैठे पागल के जैसा। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है। ए, तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है ही कितना? क्या देखा है लाइफ में? किताब के चार पन्ने पढ़ लिए तो क्या मेरी लाइफ पढ़ ली तुमने? मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंदाजा है? मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जानते हो तुम? तुम मुझे चेक कर ही नहीं सकती हो। चुपचाप पेपर्स पर साइन करो। तुम एक अच्छे ट्रेनर हो, अपने कैडेट्स को अच्छे ऑफिसर बनाते हो। अभी तेरी इंसान भी ठीक ठाक हो, लेकिन गलत बातों पर रिएक्ट करते हो। इस वक्त गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। तुम्हारी एकेडमी नहीं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं। अगले 6 हफ्तों तक मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट की तरह आना, फिर मैं इसमें पक्का साइन कर दूंगी। जिस दिन भी तुम 1 घंटा बिना गुस्सा किए बात करोगे, मैं इस फॉर्म पे साइन कर दूंगी। अच्छे स्टूडेंट की तरह डेली अटेंडेंस देना। इसे रखो, जब भी गुस्सा आए इसे दबाना और 10 तक की गिनती करना, गुस्सा भाग जाएगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। नमस्ते साहब। कैश लाया है साहब, इस बार थोड़ा कम कर दीजिए ना। इतने कम में काम नहीं होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। फाइल से 4 पन्ने ही तो फाड़ने हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा है सर। 5 सब इंस्पेक्टर केस पे काम कर रहे हैं, आप पे किसी तरह की आंच नहीं आएगी। क्या बात है सर, गलत काम करने में हिचक हो रही है? काम हो जाएगा, मतलब डील ओके ना सर? भाई को बोलो शुक्रवार 12 बजे से पहले पैसे मेरे अकाउंट में डाले। ओके सर। वरना आप बेफिक्र रहिए सर। आज तुम्हारा फर्स्ट सेशन है, ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ बताओगे कि नहीं? तुमने कहा था ना 1 घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो तो तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी। तुम बोलती रहो, मैं तो चुप ही रहूंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। देखो अभिमन्यु, हर इंसान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं पर रिएक्ट करता है। अगर वही इंसिडेंट्स बचपन में देखे और वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने लगता है। इस बढ़ते गुस्से और नफरत को अनफॉरगिवनेस हुक कहते हैं, और बदला लेने की चाह गुस्से का रूप लेती है। इस इमोशनल ट्रैप से निकलने के लिए अपने गुस्से को कम करके उस इंसान को माफ करना होगा जिस पे गुस्सा हो। तुम पेरिस गई हो क्या? हाँ गई हूँ। क्यों? अपनी सिस्टर से मिलने। जो इस फोटो में है वो तुम्हारी सिस्टर है? वहाँ क्या करती है वो? वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, फ्रेंच सिटीजन। नाम क्या उनका? सरोजा देवी। ओह, सरोजा देवी, नाइस। उनकी शादी हो गई है क्या? ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? नहीं। सुपर्ब, ग्रेट। तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भगाना, मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? मान लो तुम चांदनी चौक में रहती हो और तुम्हें वहां से डिफेंस कॉलोनी जाना है, ट्रैफिक के बीच में गुस्सा आए बिना जा सकती हो? अरे इम्पॉसिबल है, कोई हॉर्न मारेगा, कोई गलत साइड से ओवरटेक करेगा। फुटपाथ पे चलने के बजाय लोग रास्ते के बीच से चलेंगे, वीआईपी के लिए रास्ता रोका जाएगा, हवलदार तुम्हारा चलान काटेंगे। ऐसे में तो किसी सन्यासी को भी गुस्सा आ जाएगा। अब सोचो, मैं फॉरेन में रहूंगा, 1 सेकंड भी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि वहां इतना ट्रैफिक होता ही नहीं है। यही एक तरीका मेरा गुस्सा भगाने का। सरोजा देवी से सेटिंग करा दो ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ, कोई मैनेज ब्यूरो नहीं चलाती हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्से को रोकना है। और तुम इसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं। जब भी गुस्सा आए 1 to 10 काउंट करके इसे प्रेस करो, गुस्सा छू हो जाएगा, मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है। अगले सेशन में मिलते हैं। सरोजा देवी को मेरा हाय कहना।